नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक है। और वो क्या होता है ना, जब लाइव आता है तो इंटरेक्शंस होती है। हम लोग सिर्फ वीडियोस बनाते हैं तो इंटरेक्शंस नहीं हो पाती है। तो मैं अकेला बोल बोल के वीडियोस करना और आप तक पहुंचाना, और मैं ऐसा फील कर लेता हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आप लोगों को ऐसे डिक्टेट कर रहा हूँ कोई भी एक टॉपिक लेके। तो आज जैसे रेगुलरली हम लोग कुछ नए नए टॉपिक्स चूज करते हैं, वैसे मैं आज एक और एक टॉपिक चूज करके लेके आया हूँ। और ये टॉपिक बेसिकली उनको बहुत बेनिफिट्स है, जो स्टूडेंट हो या कोई फर्म हो या कोई भी बड़ी कंपनी हो या कोई छोटी सी भी कंपनी रहे। बेसिकली इट्स रिलेटेड टू सर्विसेज एंड योर प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर लेके हम लोग बात करने वाले हैं। जनरली मैक्सिमम कंपनीज यहाँ पे डाउनस्ट्रीम में आ जाती है कि एक 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 चीज़ है उसमें जो जनरली कोई कंपनी फॉलोअप नहीं कर पाती है, और फॉलो करती है तो भी कुछ स्ट्रेंज तक जाके रुक जाती है। तो वी हैव टू कीप दिस वन टर्म इन योर कंपनी और इन योर प्रोडक्ट। इन वन टर्म यू हैव टू कीप एवरी स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते जाना है इसको। जैसे एक लेवल से आज एक लेवल तक मेंटेन करके गए, उसको फिर हाइक करते गए, फिर उससे बढ़ाते गए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते जाना है। वो टर्म है एंड वो एक ऐसा चीज़ है जो कंपनी में आपकी कंपनी की ग्रोथ करेगी और आपका जो सर्विस का क्वालिटी है वो दिखाएगी। इसमें भी आ गया क्वालिटी नाम, जो जनरली हम लोग बोलना चाहते हैं क्वालिटी, क्वालिटी मेंटेन है, क्वालिटी नहीं है काम में, क्वालिटी नहीं है सर्विस में, क्वालिटी नहीं है जो प्रोडक्ट आप देते हो उसमें, क्वालिटी नहीं है। क्या होता है, जैसे क्वालिटी बढ़ती है ना, बोलते हैं कि बजट भी बढ़ता है। जैसे क्वालिटी घटती है जब बजट भी घटता है। ये कुछ रेंज तक सही है, आई एग्री विद दिस, कि अगर आपका बजट हाई जा रहा है तो क्वालिटी भी हाई रहेगी, ये कुछ रेंज तक सही है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आपको बेस्ट क्वालिटी विद द बेस्ट प्राइस क्यों नहीं दे सकते? मेरा ये सवाल है। बेस्ट प्राइस इन द सेंस कंसिस्टेंट रखो, कंसिस्टेंट इन द सेंस ऐसे कि आप समझो एक 10 रुपये का प्रोडक्ट है, 10 रुपीज़ प्रोडक्ट है, और उसको आपका प्रॉफिटेज लगा लो उस पर। जब 10 रुपीज़ का प्रोडक्ट है तो उसके आप ऊपर प्रॉफिटेज लगा लो और उस प्रोडक्ट को इतना क्वालिटी बनाओ जो 10 रुपये का वो वैल्यू करे। ओके, क्या होता है कि हम लोग 10 रुपये का प्रोडक्ट के लिए जाते हैं और उसमें वो बना रहता है कुछ 5 रुपये का, और हम लोग बेचते हैं 10 रुपये, वहाँ पे क्वालिटी में मार्जिन मार के फिर वहाँ पे हम लोग 5 रुपये लेके अपना प्रॉफिट में ऐड कर लेते हैं। वो नहीं होना चाहिए। सो इफ़ इट इज़ अ 10 रुपीज़ प्रोडक्ट, मेक इट एज अ 10 रुपीज़ प्रोडक्ट एंड मेक इट वेरी क्वालिटी वन। और आपका सर्विस का चार्जेस है, जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो लगा लो आप, जो गवर्नमेंट का टैक्सेशन है वो लगेगा उसके ऊपर, जो कस्टमर को जाता है, जो कस्टमर तक पहुँचता है वो प्रोडक्ट एकदम प्रॉपर वे में पहुँचे, जैसे क्वालिटी हो प्रोडक्ट का, आपको भी लॉस ना हो और गवर्नमेंट को भी लॉस ना हो एकदम प्रॉपर, और कस्टमर को भी लॉस ना हो। इन दैट रेंज वी हैव टू मेंटेन अ प्रोडक्ट और क्वालिटी सर्विस। इसमें ये मैं क्वालिटी ये क्यों बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम अपने इंडिया में देखो, कहीं कहीं पे आप कंस्ट्रक्शन में भी देख लो या कोई प्रोडक्ट्स में देख लो, मैक्सिमम टाइम लोकली लोग क्या होता है कि मेक इन इंडिया है तो क्वालिटी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहेगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा इश्यूज आएगा, ज़्यादा दिन ड्यूरेबल नहीं रहेगा। यार भाई, हम लोग चाइना का मटेरियल यूज़ करते हैं बिना क्वालिटी देके और सस्ते में खरीद के लेके आते हैं, क्यों ऐसा है? जब इंडिया में बनता है, इंडिया में कुछ चीज़ें बनती है तो प्लीज़ व्हाई वी आर नॉट परचेजिंग दिट, क्यों नहीं परचेज कर पा रहे हम लोग? परचेज तो करना पड़ेगा ना, इंडिया में बना है, इंडिया में बना के लोग आपको दे रहे हैं, तो भले ही वो कुछ इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे हो फिर भी अपने को परचेज करना ज़रूरी है, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड इंडिया हैज़ टू ग्रो अप। अपना इकोनॉमी जब ग्रो करेगी, हम लोग ग्रो करेंगे, अपना इंडिया ग्रो करेगा, अवर नेशन इटसेल्फ विल ग्रो प्रॉपरली। जब हम लोग अपने लोग ही अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे देन हाउ इंडिया विल ग्रो? मेरा बोलना सही है, अगर आप लोग अग्री करते हो तो कीजिएगा इस चीज़ को, बिकॉज इंडियंस आर नॉट सपोर्टिंग इंडियंस, इंडियंस हैज़ टू सपोर्ट इंडियंस, तब जाके इंडिया ग्रो करेगा। बिकॉज अभी देखो, कोई भी अभी यही शर्ट ले लो, हम लोग कोई दुकान में जाते हैं तो फॉरेन का ब्रांड ढूंढते हैं, कोई अच्छा क्वालिटी वाला ढूंढते हैं। क्वालिटी हर एक जगह पे मिलती है आपको,
जब आप सपोर्ट करोगे, यू हैव टू सपोर्ट। कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ले लेते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है। नो बडी, इंडियंस इट सेल्फ इज दे विल नॉट सपोर्ट, दे विल ओनली सपोर्ट फॉर द हाई कंपनीज, हाई ब्रांडेड कंपनीज एंड ब्लू चिप कंपनीज को सपोर्ट करेंगे, और जो उनका टर्नओवर हाई रहेगा उनको सपोर्ट करेंगे। ये जो छोटा स्टार्टअप किए रहते हैं 3-4 साल से, उधर ही वो लोग ये कर रहे हैं, ट्राई करना चाहते हैं लेकिन वो रेंज तक नहीं पहुँच पाते, उनका क्या, वो लोग कैसे शोकेस कर पाए उनका क्वालिटी, हाउ दे विल शोकेस देयर क्वालिटी एंड सर्विसेस। मेरा सवाल ये है, अगर आप लोग इस बात को एग्री करते हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा जो छोटे व्यापारी है, जो छोटे बिजनेसमैन है, जो छोटी कंपनी से, प्लीज़ गेट देम अप। अब बहुत हो गया बड़े लोगों का कंपनी और बड़ी बड़ी कंपनी को कमा लिया और एक बेंचमार्क स्टार्ट कर दिया, छोटे लोगों को भी ऊपर उठाना, गिव देम अपॉर्चुनिटी एंड टेक इट देम अप। क्यों नहीं ले सकते? छोटी कंपनी क्या काम नहीं करती? छोटे कंपनीज के पास जो बैठे हुए हैं उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती? उनके पास भी होती है, वो लोग भी करना चाहते हैं, वो लोग भी ऊपर आना चाहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। अभी मान लो कोई भी आप गवर्नमेंट टेंडर्स कोट कर लो, कोई भी गवर्नमेंट टेंडर्स को कोट करेंगे तो छोटी कंपनियाँ उसको कोट ही नहीं कर पाएंगी, कोट कर पाएंगी लेकिन फुलफिल नहीं कर पाएंगे उनका क्राइटेरिया। इतना बड़ा बड़ा रेंज का क्राइटेरिया टोक देते हैं कि जो सामने छोटा वाला एक एक बिजनेसमैन भी उसको कॉम्पीट नहीं कर पाता है। मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों, जब इंडिया में ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं हम लोग और ग्रोथ नहीं होने दे रहे? अपॉर्चुनिटी सिर्फ दिखा के छोड़ देना नहीं, ये लो भैया खाना खा लो लेकिन प्लेट रिटर्न ले लो, उसमें क्या है, हाउ इट इज़? ऐसे नहीं होना चाहिए। तो सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए। और हम बात कर रहे थे क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी ऐसी चीज़ है, क्वालिटी में क्या होता है, जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट सर्विस देते हैं तो उसमें चीज़ों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए, जैसे जितना रिक्वायरमेंट है एज पर डिज़ाइन, जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रॉपरली देखा जाए। तो स्टैंडर्ड मीनिंग ऑफ क्वालिटी इज टू चेक द प्रॉपर वे ऑफ व्हाट यू आर एग्जीक्यूटिंग एज पर द रिक्वायरमेंट्स। जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे उसको आप एग्जीक्यूट करो इन अ प्रॉपर मैनर। पहला तो स्टेप ये आता है कि स्टैंडर्डाइज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मीनिंग ये आता है, मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड से बिलोंग करता हूँ तो कंस्ट्रक्शन को लेके एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे साइट सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर्स एंड मेनी मोर सपोर्टिंग सुपरविजन्स विल बी देयर, देन व्हाई वी आर नॉट पर्टिकुलरली ट्रेनिंग ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द क्वालिटी। किकऑफ मीटिंग होती है, जस्ट एक वर्ड आ जाएगा, प्लीज मेंटेन द क्वालिटी। व्हाट इज द क्वालिटी, व्हाट वी हैव टू मेंटेन? उसके लिए सर्टन टाइप ऑफ पैरामीटर्स वी हैव टू मेंटेन एट द साइट, चेक पॉइंट वी हैव टू मेंटेन एट द साइट। चेक पॉइंट तो बहुत सारे होते हैं, मेनी मोर चेकलिस्ट आई हैव सीन एंड अकॉर्डिंग टू दैट नो बडी विल फॉलो। वाई वाई इट इज नॉट बीन फॉलोइंग? क्यों होता है? क्यों होता है, इसका मतलब ये है कि हम लोग फोकस नहीं कर पाते। चीज़ों पे फोकस करने से इम्प्रूवमेंट होती जाती है, इट विल इम्प्रूव कंटिन्यूसली। जो बुक में होता है वो प्रैक्टिकली फिजिकली लेके आना 100% तो पॉसिबल नहीं है, बट इट कैन बी पॉसिबल फॉर द 90%। 90% पॉसिबल है कि हाँ ये स्टेज तक हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, वी कैन मेंटेन इट, उसमें नो डाउट है। तो हम लोग यहाँ पे हर एक छोटी 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 चीज़ में लैग कर जाते हैं, देन वन डे योर एग्जीक्यूशन या योर प्रोडक्ट योर सर्विस विल बी बिकमिंग अ लाइक समथिंग अलग शेप में आ जाता है। जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप में प्रॉपरली चक्स डायमेंशंस इंग्रेडिएंट्स प्रोपोर्शंस सब फॉलो करते जाते हैं, ठीक है, तो एंड में जो प्रोडक्ट आता है ना वो ब्यूटिफुल एंड फिनिश टाइप का दिखता है, दैट वी हैव टू मेंटेन। तो इसका मतलब है कि आपका जो पहला स्टेप है स्टैंडर्डाइज योर क्वालिटी, आपका क्वालिटी का स्टैंडर्डाइज होना चाहिए जो ऑन साइट फॉलो होता है, दैट वी हैव टू लुक आफ्टर वेरी स्टैंडर्डाइज्ड मैटर। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट ब्रीफ अबाउट योर सर्विस, योर योर प्रोडक्ट और हाउ इट शुड बी, पर्टिकुलरली क्वालिटी का आप
ट्रेनिंग रख सकते हैं, जैसे जिसके अंदर हम लोग प्रॉपरली ब्रीफिंग दे सकते हैं कि स्टाफ्स को कि प्रॉपरली कैसे क्वालिटी मेंटेन किया जाए और उसके लिए क्या क्या चेक्स है, वहाँ पे ऑन स्पॉट जो सीनियर बंदा है वो समझा सकते हैं, जो भी सीनियर रहते हैं वो ही कैन गाइड वेरी वेल कि हाउ टू मेंटेन क्वालिटी ऑन साइट एंड दीज आर द चेक पॉइंट्स वी हैव टू फॉलो। अगर वो सब प्रॉपरली चेक्स हो गए और वहाँ पे वो कमिटमेंट्स, एक कमिटमेंट होता है ना, किकऑफ मीटिंग जब होती है या कोई प्रोजेक्ट स्टार्टअप मीटिंग जब होती है, वो सब कमिटमेंट्स फॉलो हो गए ना, देन इट विल वेरी इजी टू एग्जीक्यूट एट वर्क। जो समझ में नहीं आता है वहाँ पे वो समझ आ जाएगा स्टार्टिंग में। कोई भी इंजीनियर हो, कितना भी एक्सपीरियंस इंजीनियर्स ले लो आप, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं उसको एक डाउट रहता है, जो दैट दैट योर डाउट हैज़ टू बी क्लियर इन स्टार्टअप प्रोजेक्ट मीटिंग। ऐसे तो एक आप स्टैंडर्डाइज बना दो क्वालिटी के अंदर, जो हर एक स्टेप प्रॉपरली फॉलो हो, और एग्जीक्यूशन व्यू में देखेंगे तो एग्जीक्यूशन शुड बी वेरी प्रॉपर मैनर एज पर द चेक्स, चेक्स में होना चाहिए। जैसे कि एक एक कोई एक छोटा सा पेडेस्टल पकड़ लो, उसमें आप तो पहले उसमें क्या देखते हो, जो बीइंग अ सिविल इंजीनियर उसमें क्या देखेगा, पहला तो उसका प्रॉपर एक्सकेवेशन हुआ है कि नहीं, छोटा सा पेडेस्टल का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, उसका प्रॉपर एक्सकेवेशन हुआ है कि नहीं, फिर देन वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड सोलिंग और नॉट, दैट यू हैव टू चेक एज पर द ड्राइंग, इफ इट इज़ देयर सोलिंग, सोलिंग यू हैव टू डू, दैट सोलिंग हाउ टू डू सोलिंग ऑल्सो यू हैव टू चेक इन द प्रॉपर मैनर, वेयर इट रिक्वायर स्पेसिफिकेशन, ईच एंड एवरी स्पेसिफिकेशन इज देयर, तो दैट सोलिंग यू हैव टू चेक। ओके, आफ्टर दैट प्रॉपर कंसोलिडेशन हुआ है कि नहीं, कॉम्पैक्शन हुआ है कि नहीं सोलिंग का, उसके बाद में आपका आता है पीसीसी, उसके बाद में आपका आता है आरसीसी, उसके बाद में आपका आता है शटरिंग, उसके बाद में आपका आता है जब रिनफोर्स रिनफोर्स्ड कंक्रीट, उसके बाद में आता है फाउंडेशन का बोल्ट्स और टाई कैसे करते हैं, उसके बाद में उसका टेम्पलेट्स आता है, उसके बाद में फाइनल टचअप का फिनिशिंग दिखता है। जब वो फाइनल टचअप का फिनिशिंग आ जाए ना, कब आप उसको जो फाइनल टचअप का फिनिशिंग दिखता है, दैट शोज योर प्रॉपर क्वालिटी वर्क। जब लोग ना चीज़ों को, अगर खराब चीज़ों को भी लेके वेस्ट फ्रॉम बेस्ट, ये सही था, वेस्ट फ्रॉम बेस्ट, ओके, ये ऐसे नहीं बोल सकते कि वेस्ट फ्रॉम बेस्ट, नहीं, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, ओके, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट बोल सकते हैं कि जो खराब चीज़ को भी लेके अच्छा बना के दे दे, ये है इंडियंस, इसको बोलते हैं खराब चीज़ ले लो, कुछ भी वेस्ट वाला चीज़ उठाओ और अच्छा बना के दे दो उसको, रिसाइकलिंग टाइप का। कोई कोई होता है कि मटेरियल ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, उससे बहाना बनाने से अच्छा है उसी मटेरियल से अच्छा कैसे करके दे, उस बेहतर कैसे करके दे, वो होना चाहिए टीम में। जब वो होगा तो बेस्ट क्वालिटी एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो नेक्स्ट आता है सेटअप योर पैरामीटर्स। जैसे मैंने अभी रिसेंटली बताई, सेटअप योर पैरामीटर्स में क्या होना चाहिए कि आपका एक पैरामीटर सेट होना चाहिए। लाइक हर एक कंस्ट्रक्शन साइट्स में क्वालिटी के लिए अलग अलग चेक्स होती है, चेक्स यू हैव टू मेंटेन प्रॉपरली, इन द प्रॉपर वे यू हैव टू मेंटेन ऑल द चेक्स। अगर आपके पास प्रॉपर चेक्स रहेंगे तो यू कैन डू एग्जीक्यूशन इन अ प्रॉपर वे, क्वालिटी क्वालिटी आप प्रॉपर वे से फॉलो कर पाओगे। एक सेकेंड स्टेप हो गया, पहला स्टेप क्या था, स्टैंडर्डाइज योर क्वालिटी, देन सेकेंड स्टेप था क्या था, वो है सेटअप योर पैरामीटर्स। ओके, तो इसके साथ में क्वालिटी कब बढ़ती है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट कब होती है, क्वालिटी का एक 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 समझो, एक प्रोजेक्ट में आपने अच्छे से एग्जीक्यूट कर दी, या एक प्रोडक्ट कोई अच्छे से आपने दे दिया, और दूसरा प्रोडक्ट आपने वो भी अच्छे से दे दिया, तीसरा प्रोडक्ट में फिर मार खा गए, ऐसे फिर स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाएगा, वही क्वालिटी दे पाएगा जो कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करते जाएगा। समझो एक ही दफ़ा में हाई स्टैंडर्ड वाला नहीं दे सकता है कोई, देन यू हैव टू इम्प्रूव लिटिल बिट, आफ्टर दैट यू हैव टू अगेन यू इम्प्रूव लिटिल बिट, देन लिटिल बिट, यू हैव टू कंटिन्यूसली ग्रो। सो उसको बोलता है इम्प्रूविंग कंटिन्यूसली, ईच एंड एवरी थिंग इफ यू डू कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग, वन डे यू विल बी अ मास्टर इन दैट। अगर आप अच्छे से उसको इम्प्रूवमेंट करते जाओगे तो एक दिन आप उसका मास्टर बन जाओगे। इसी में क्वालिटी में भी ऐसे होता है, हर एक चीज़ आप देखो, कोई अच्छे से बुक्स पढ़ते रहो, उसके ऊपर टीचिंग देते रहो, या उसके ऊपर नॉलेज शेयर करते रहो, तो उसके ऊपर आप मास्टर बन जाओगे, नो डाउट इन दैट। सेम थिंग इफ यू इंटरव्यू, इफ यू इम्प्रूव प्रॉपरली इन क्वालिटी, देन वन डे यू विल बी अ बेस्ट एग्जीक्यूटर्स, बेस्ट क्वालिटी एग्जीक्यूटर्स।
तो ये कंपनी में ही होना चाहिए। मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज फोकस वट एवर यू आर डूइंग विद द बेस्ट क्वालिटी विद दीज थ्री स्टेप्स। क्या था? स्टैंडर्डाइज, ओके, सेट योर पैरामीटर्स एंड कंटिन्यूसली इंप्रूव योर क्वालिटी। ये तीनों स्टेप है। इफ यू मेंटेन दीज थ्री स्टेप्स, ओके, वन डे योर ऑर्गेनाइजेशन विल बी इन अ ग्रेट क्वालिटी एग्जीक्यूटर्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you.